बद्री विशाल भगवान की जय। भगवान बद्रीनाथ जी के दिव्य प्रांगण में खड़े मैं स्वयं में धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल बद्रीनाथ धाम, मेरे साथ टेरी राज गुरु आदरणीय माधव प्रसाद नौटियाल जी और शाश्वत जी नौटियाल। कुछ ही देर पूर्व भगवान के श्री कपाट खोल दिए गए। यहाँ की परंपराएं हैं कि षण्मासम देवते ही पूज्या, षण्मासम मानवेश तथा, 6 महीने देवताओं के पास अधिकार भगवान की पूजा का और 6 महीने मनुष्यों के पास, ग्रीष्मकाल मनुष्यों के पास, और असंख्य लोग आते हैं, दर्शन कर पाते हैं, कुछ की गिनती होती है, कुछ की नहीं हो पाती है, और कभी कभी मंदिर के अंदर इतनी भीड़ में लगता है कि भगवान के दर्शन नहीं हुए, लेकिन भगवान कहते हैं राजा तू मेरे पास आया है, कदाचित तूने मेरे को न देखा हो लेकिन मैंने मंदिर के भीतर से तेरे को देख लिया है, तेरी हाजिरी लग गई है। ऐसी परंपराएं रही हैं, किंतु कुछ समय ऐसा आया, कुछ काल ऐसा आया विगत वर्ष यानी 2020 का और ये वर्ष यानी 2021 का, ये कोरोना काल जिसे कहें, और इसमें एक इस प्रकार की बीमारी कोई आई कि दूरी रखना है। मैंने तो देखा पहले विपत्ति में हम मंदिरों में जाते थे, भगवान के सामने निवेदन करते थे, भजन करते थे, बैठते थे, लेकिन समय ऐसा है भगवान के सामने भी नहीं जा पा रहे हैं। आज मात्र 18 लोगों के समक्ष भगवान के श्री कपाट खुले, जहां 18 से 38,000 लोग होने चाहिए थे, 18 लोग मंदिर के अंदर दिखे, वो भी हकूकधारी यानी जिनके अधिकार हैं, जिनके पास चाबियां हैं, उनके समक्ष कपाट खुले। श्रीमान नौटियाल जी मेरे सामने आए हैं, राजगुरु आपने प्रथम चाबी भगवान के श्री कपाट की खोली, तत्पश्चात मेहता भंडारी, भंडारी वर्ग पौंडकेश्वर और मंदिर के सभी लोग आए, कपाट खुले, श्रीमान रावल जी ने प्रवेश किया, भगवान के स्त्री विग्रह घी में सरसब्ज देखा और हमने निवेदन किया भगवान से कि महाराज ये बीमारी दूर हो जाए। आप लोग जो भगवान के पास आते हैं हर स्थिति में आने के लिए तैयार हैं, और जो आज भी कूद रहे हैं के लिए तैयार हैं कि एक बार गाइडलाइन मिल जाए हम भगवान के समक्ष जाएं, आप नहीं आ पाए इस बात का हार्दिक दुख हमें है, लेकिन आप लोग यथाशीघ्र आएंगे, यथाशीघ्र बीमारी दूर होगी, इसलिए भगवान के समक्ष हमने अभी निवेदन किया, प्रार्थना की, माथा टेका और भगवान से निवेदन किया ये वैश्विक बीमारी दूर हो जावे और पुनः लोग खुशहाल हो जाएं। भारत की परंपरा केवल भारतवर्ष की नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सर्वे अर्थात अखिल विश्व की बात की है, केवल भारतवर्ष की नहीं, सारे विश्व के लोग सुखी रहें, आनंद रहें, ये प्रार्थना की गई। और मैं तो भगवान बद्रीनाथ जी के चरणों का चंचरी हूँ, उनके चरणों का एक दास हूँ, और मैंने कई बार शास्त्रों में देखा, एक श्लोक पढ़ा कि औषधि जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायण हरि, औषधि गंगा और यमुना है, दोनों के कपाट खुले हैं, आयुष्य के देवता भगवान शंकर हैं, त्र्यंबक हैं, कपाट खुले केदारनाथ में 17 तारीख को, और जो मुख्य डॉक्टर हैं वैद्यः धन्वंतरी हैं वो भगवान नारायण है, वैद्यो नारायण ही, ये विश्वास हमारा है, भगवान सब कुछ ठीक करेंगे, सुंदर करेंगे, कपाट खुल चुके, बस यही निवेदन है। आप लोग जो आ नहीं पाए, आपकी हाजिरी हम भगवान के समक्ष लगा रहे हैं, आपकी उपस्थिति लगा रहे हैं, और भगवान सबको सुखी रखे, कुशल रखे, और ये विश्व पुनः खुशहाल हो जावे, यही निवेदन किया गया। कल्याणम कुरताम जनस्य भगवान चंद्रार्ध चूड़ामणि, कल्याणम कुरताम जनस्य भगवान बद्रीश चूड़ामणि, भगवान बद्रीनाथ, भगवान केदारनाथ, मैया गंगा जी गंगोत्री, मैया जमुना जी, जो हमारे सर्वस्व हैं, हम पर कल्याण करें और आपकी पूजाएं सुंदर चलें। इन्हीं शब्दों के साथ आज भगवान के कपाट खुलने पर मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ।
भगवान बद्री विशाल की जय। और आज की प्रथम पूजा कुछ देर बाद प्रारंभ हो रही है। जहाँ तक मेरे पास पूजा के बारे में आया, प्रथम पूजा आदरणीय नरेंद्र दामोदर मोदी प्रधानमंत्री भारत गणराज्य आपकी ओर से प्रथम पूजा, तत्पश्चात कई महात्माओं ने, कई संतों ने और कई लोगों ने पूजा लिखी है। आप सब की ओर से भगवान का महाभिषेक और भगवान की सायंकालीन आरती पूजाएं हम आज प्रारंभ कर रहे हैं। कुछ लोगों ने 6 माह के लिए पूजा लिखाई है, उन सब की ओर से आज से हम और कपाट बंद की तिथि तक पूजाएं प्रारंभ अभी कुछ क्षण बाद करेंगे। बस कुशल रहें, सुरक्षित रहें, जो गाइडलाइन है उसका जरूर पालन करें, सब ठीक होगा ये निश्चित है। बद्री विशाल भगवान की जय।